वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम पार्ट एट क्रिएट करने वाले हैं गैस रेगुलेटर का। तो यहाँ पर देखिए ये नोब है जो उस रेगुलेटर के साथ अटैच होने वाला है। तो इसमें देखिए एक सिंपल सा फीचर हमने रिवॉल्व बॉस का यूज़ किया है, सिर्फ एक ही फीचर में हमने इसके क्रिएट किया है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका 2D ड्रॉइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके प्रीवियस पार्ट के ट्यूटोरियल की जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने न्यू पार्ट क्रिएट कर लिया है। तो सबसे पहले आपको फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करना है, स्केच। अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। सेंटर लाइन आपको सिलेक्ट करनी है, मिड पॉइंट लाइन यहाँ से देखिए ओरिजिन पॉइंट से आपको इस तरह से ड्रैग कर देना है। हॉरिजॉन्टल हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, इसे सिलेक्ट करेंगे और यहां पर इसे हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब फिर से आपको लाइन टूल एक्टिवेट करना है। और इस तरह से देखिए एक स्केच ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से हम स्केच यहां पर एक ड्रॉ कर दिया है हमने, इसके साथ कोइंसिडेंट कर देते हैं। अब हम यहां पर क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहां पे कोइंसिडेंट कर देना है। अब फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और कोइंसिडेंट कर देंगे। अब हम इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका होल, तो इसकी साइज रहेगी 6.5 mm। फिर यहां पर देखिए इस पॉइंट से इस सेंटर लाइन का फुल डायमीटर 12.7 mm। अब यहां पर इसका डायमीटर रहेगा 14 mm। फिर से यहाँ पे डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पर इसका डायमीटर रहेगा 11 mm, फिर यहाँ पर 8.5 mm, और इस पॉइंट से इसका डायमीटर रहेगा 8 mm। अब हम यहां पर इसकी लेंथ अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेंथ इसकी रहेगी 3.5 mm। बीस लाइन से इस पॉइंट की टोटल लेंथ रहेगी 30 mm। देखिए इस तरह से हमने ये स्केच क्रिएट किया है जो फुली डिफाइन हो गया है। अब सिंपली आपको क्या करना है,
सर्कल यहां पे ड्रॉ करना है। अब इसकी साइज हम अप्लाई करेंगे 12 mm और फिर ओके करेंगे। यहां पर इस तरह से ड्रैग करना है हमें। अब इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट कर देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, कोइंसिडेंट इसका रिलेशन सेट करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब हम यहां पर ट्रिम एंटिटी और पावर ट्रिम आपको सिलेक्ट करना है। अब यहां पर इस तरह से ड्रैग कर देना है। अननेसेसरी आर्क है उसे ट्रिम कर देना है और यहां पर ये बाहर वाली लाइन जो है इसे ट्रिम करना है, फिर ओके कर देना है। यहां पर इसकी साइज हम अप्लाई कर देते हैं 3.5 mm। फिर आपको क्या करना है, यहां पर फुली डिफाइन कर देना है, कैलकुलेट और ओके करना है। देखिए इस तरह से हमारा स्केच फुल्ली डिफाइन हो गया है। यहाँ पर देखिए 12 mm का जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था वो इसका हाफ 6 का रेडियस यहाँ पे अप्लाई हो गई है। अब सिंपली आपको फीचर में जाना है और यहाँ पर रिवॉल्व बॉस अप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखिए इसकी एक्सिस लाइन यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई है 360 डिग्री में और ओके करना है। अपीयरेंस अप्लाई करना है यहाँ पर। ब्रश और यहां पर आपको ब्रश अप्लाई कर देना है। इस पार्ट को हम सेव कर देंगे। गैस रेगुलेटर का जो प्रोजेक्ट है हमने फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर हम इसको सेव करेंगे पार्ट 8 के नाम से। देखिए इसे इस तरह से हमने इस डिज़ाइन को क्रिएट कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके बाद हम इसकी असेंबली क्रिएट करेंगे। असेंबली के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।